नमस्कार, मैं विवेक वाधवा, मैं बालाजी हॉस्पिटल में प्रोफेसर कार्डियक सर्जरी हूँ और मैं आज आपसे कार्डियक सर्जरी के विषय में कुछ जानकारियाँ देने, कुछ बातें करने आया हूँ। हमने देखा है कि आम लोगों में कार्डियक सर्जरी को लेके कई धारणाएं हैं। कार्डियक सर्जरी को मेजर सर्जरी माना जाता है, काफ़ी हाई रिस्क सर्जरी माना जाता है और मैं समझूंगा ये गलत भी नहीं है। कार्डियक सर्जरी एक मेजर सर्जरी है और इनफैक्ट कोई भी सर्जरी को माइनर सर्जरी नहीं मानना चाहिए, कोई भी सर्जरी मेजर सर्जरी ही होती है। आज हमारी टीम ने पिछले 5 महीनों में 100 कार्डियक ऑपरेशंस संपन्न किए हैं और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि ये हमने सक्सेसफुली किए हैं और सभी पेशेंट्स को हमने सक्सेसफुली टाइमली डिस्चार्ज किया है। और ये जो 100 कार्डियक ऑपरेशंस हमने संपन्न किए हैं, ये छोटे बच्चों से लेके 2 साल के बच्चों से लेके 82 इयर्स के अडल्ट्स का हमने इसमें ऑपरेट किया है। हमने इसमें वैल्व ऑपरेशंस, बाईपास, बेंटाल सर्जरी, एरोटिक सर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी, ऐसे कई ऑपरेशंस, विभिन्न प्रकार के कार्डियक ऑपरेशंस संपन्न किए, जिसमें मैं कहना चाहूँगा कि कार्डियक सर्जरी के सिंपल से लेके कॉम्प्लिकेटेड केसेस तक लगभग सभी वैरायटी या सभी प्रकार के ऑपरेशंस हमने संपन्न किए। और इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि कार्डियक सर्जरी जब चालू हुआ था और अब तक काफ़ी एडवांसमेंट मेडिकल साइंस में हुए हैं और अब मैं कह सकता हूँ कि कार्डियक सर्जरी एक काफ़ी सेफ ऑपरेशन है और इससे रिकवरी भी बहुत ही पहले के कंपैरिजन में फास्ट हो चुका है। तो जो धारणाएं लोगों के मनों में या आम आदमी के दिमाग में है कि कार्डियक सर्जरी के बाद रिकवरी में बहुत टाइम लगता है या कार्डियक सर्जरी बहुत हाई रिस्क है, वो कहीं ना कहीं हमें चेंज करने की ज़रूरत है। कार्डियक सर्जरी, मैं समझता हूँ, अब काफ़ी सेफ इफ़ेक्टिव वे है हमारे कार्डियक एलिमेंट्स, हमारे जो कार्डियक डिजीज़ हैं उनको ट्रीट करने का। आज वर्ल्ड हार्ट डे के उस उपलक्ष्य की मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।